हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ आमरस पूरी। एक बहुत ही इजी और डिलीशियस सा रेसिपी है ये, जिसमें गरम गरम पूरी के साथ ठंडी ठंडी आमरस सर्व होगा। और पहले मैं आमरस का बना लूँगी क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए रखना है। तो आमरस बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मैंगो, जिसका छिलका निकाल के मैंने इसको काट लेना है। फिर लेना है इलायची पाउडर 1/2 चम्मच मैंने लिया है। फिर मुझे चाहिए होगा सैफ्रन मिल्क 100 ml। गरम दूध में मैं थोड़ा सा सैफ्रन डाल के उसको 1-2 मिनट के लिए मैं साइड पर रख दूँगी। फिर एक ब्लेंडर जार में मैं आम को डाल दूँगी। इसी के साथ जाएगा मेरा इलायची पाउडर, सैफ्रन मिल्क और चीनी। चीनी ऑप्शनल है, आप आम का मिठास देख के ही चीनी डालें। अभी सभी को मैं एक साथ ब्लेंड कर लूँगी। फिर इसको एक बोल में निकाल के इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज पे मैं रख दूँगी। जब तक आमरस हमारा ठंडा हो रहा होगा, तब मुझे बना लेना है पूरी। तो पूरी बनाने के लिए मैंने मैदे का डो पहले से ही बना के रखा हुआ है। अब मैं इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके पूरीज बना लूँगी। फिर मैं पूरी इसको डीप फ्राई कर लूँगी। उसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एक साइड वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैं इसको फ्लिप कर दूँगी, तो दूसरे साइड को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पूरी हमारा रेडी हो गया है। अभी इस गर्म गर्म पूरी के साथ हम ठंडी ठंडी आमरस को सर्व करेंगे। मैं आमरस को निकाल लेती हूँ। ये रहा हमारा ठंडा हुआ चिल्ड आमरस। अभी मैं इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। आमरस को बाउल में डाल के मैं इसको ऊपर से थोड़ा पिस्ता कट के उसको गार्निश कर लूँगी। अब आपको जैसे पसंद आप गार्निश कर सकते हैं या दूसरा ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर इसके साथ जाएगा गर्मा गर्म पूरी। बहुत ही अच्छा सा इजी डिलीशियस सा रेसिपी है। आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ।